अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज आइए देखें आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है यमी और डिलीशियस सा। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मटन स्टू, बहुत ही सिंपल और इजी। अगर आप लोग भी तेल मसाले के कोरमे मटन खा के अगर शादियों का सीज़न है बोर हो चुके हैं तो आइए मेरे किचन में कुकिंग विद फरजाना सिंपल और ईजी मटन स्टू बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी और लजीज बना हुआ है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। किस तरीके से मटन स्टू हमने बनाया है आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी खुश आबाद हो, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में, अल्लाह आप सबको सेहत आफियत तंदुरुस्ती के साथ में रखे, अल्लाह आप सबकी मुश्किलें परेशानी को दूर करें, अल्लाह आपकी जो भी दिली ख्वाहिशें पूरी करें, अल्लाह आपके बच्चों का नसीब बुलंद करे, आमीन सुमा आमीन। तो चले आइए फ्रेंड, आज मैं झटपट से आपको मटन स्टू की रेसिपी देती हूँ। तो आइए देखते हैं मेरे साथ में। जहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये 1.25 किलो मटन लिया है और इस तरीके से ये नली है मैंने ली हूँ और ये 1.25 किलो मटन है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, तो ये बहुत झटपट जल्दी से गल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.25 किलो मटन ली हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कुकर ली हूँ मैंने। कुकर के अंदर बड़ी सी 3 प्याज कट करके डाली हूँ। अभी इसके अंदर मैंने दाल बनाई थी इसलिए दाल को मैंने खाली कर दी हूँ और इसमें देखिए बड़ी 3 प्याज ली हूँ। और यहाँ पे देख लें मटन स्टू में जाने वाला मसाला, जिसके लिए यहाँ पे देखें यहाँ लहसुन है, लहसुन को मैंने 10-15 लहसुन के जवे हैं जिसको मैंने कट कर ली हूँ। अदरक है, अदरक को भी मैंने हाथ से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। 3 हरी मिर्चें हैं, 3 सूखी वाली लाल मिर्चें हैं, 2 बड़े वाले टमाटे हैं जिसको बीच में से मैंने 2 कट लगा लिया है। गरम मसाले में देखें यहाँ पे 2 टमाटर हैं जिसमें मैंने बड़े बड़े कट लगा लिया, 2 तेज़ पत्ते हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बादियान फूल है, 8 से 10 काली मिरी है, 3 लौंगे हैं, 3-4 छोटी इलायची है, ठीक है, 1 चम्मच जीरा है, 4 सूखी लाल मिर्ची है, ये लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्ची है। सबको पीस के नहीं डालना है, खड़ा आपको इसी तरीके से सारा तमाम इसमें हमको डाल देना है, ठीक है। देखिए इसी के अंदर हमको सब डाल देना है इसी तरीके से। मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ इसलिए थोड़ी सी मुझे ये हो रहा है, तो आराम से हम इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। मैं ट्राईपोड नहीं लगाई हूँ, हाथ से ही कर रही हूँ तो हाथ से करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करें चैनल को। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी करें। अब यहाँ पर देखें हमने ये सब डाल दिए हैं, अब देख सकते हैं आप लोग कि मैंने जो मटन बताई थी आप लोगों को वो मटन और इसके अंदर सारे मसालों के साथ में ये 1 कप दही है मेरे पास में, तो वो मैं डाल दे रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा कितना मटन है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप इसके अंदर दही डाल दी हूँ। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी और इसके अंदर मैंने दरदरा जो अखा वाला धनिया होता है ना उसको मैंने कूट के रखा हुआ है हमाम दस्ते में, तो वो सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। तो उसका कुटे हुए का फ्लेवर एकदम देखिए इस तरीके से आपको दरदरा सा कूट लेना है, ठीक है। ये कुटा हुआ मैंने डाल दी इसके अंदर सारा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये लाइट मसाले के साथ में मटन स्टू बनता है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये डाल दिए, अब इसके साथ में यहाँ पे मैं डाल दूँगी मटन, मटन डाल के और ऑयल डाल के और इसके अंदर नमक डाल के अब इसको हम रख देंगे अच्छे से 10 मिनट तक का, ठीक है। लेकिन मुझे 10 मिनट नहीं लगेगा क्योंकि मटन एकदम कौला है तो 4 से 5 सीटी में बन जाएगा। इसके अंदर देखिए मैंने नमक डाल दी हूँ, इसके अंदर आप ऑयल घी आपकी मर्जी जो आप चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ 1 स्पून भर के, देखें बस। अब इसको हम ऊपर नीचे करके मिक्स करेंगे और इसको पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें टमाटर और प्याज का खुद ही पानी छूटेगा और मटन का भी पानी छूटेगा। इसको मिक्स कर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, इसको मैं सीटी लगा देती हूँ और इसको मेरे पास से 6 आइए फ्रेंड देख लेते हैं। मैंने 4 सीटी ली हूँ क्योंकि खोल के देखना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर मालूम पड़ा हम देखेंगे नहीं अंदर पानी वगैरह, क्योंकि हमने कुछ डाले नहीं है ना इसके अंदर, तो इसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने खोल दी, वापस से मैं गैस को ऑन कर देती हूँ और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह अभी से इसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सिंपल सा है। अगर आप ज़्यादा मसालेदार खा के बोर हो चुके हैं तो ये मटन स्टू एक टाइम मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अभी मैं मटन चेक कर लेती हूँ गला है क्या नहीं, तो देखें मटन गल चुका है लेकिन मैं फिर भी इसको 1 से 2 सीटी हॉट ले लेती हूँ, ठीक है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी इसके अंदर मैं, इसको मैं और 1-2 सीटी स्लो आँच पर रखती हूँ 5 से 7 मिनट तक का,
फिर मैं आपको वापस बताती हूँ, ठीक है। मैंने इसको 5 मिनट स्लो पे रख दी थी और ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह इतना बेहतरीन इसका लुक आया है और मटन में जो थोड़ा सा भी कसर था वो एकदम गल के मज़ेदार हो गया है। देखिए मटन एकदम इसी तरीके से आपका मटन गल जाना चाहिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मटन गल चुका है, ठीक है। बस अब ये एकदम परफेक्ट है, गैस को मैंने कर दी बंद। अब इसके अंदर जो अपना घर का होममेड गरम मसाला है ये डाल दें आप, इसके अंदर डाल दें कटी हुई कोथमीर, या आपका घर पे मटन स्टू बनके रेडी हो गया। अगर अच्छी लगे मटन स्टू की रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसे अभी आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें फ्रेंड्स, बस झटपट सी इजी क्विक रेसिपी, बहुत ही यमी और मज़ेदार सी देखें बन के रेडी हो चुकी है। कैसी लगी आपको तो ये ज़रूर बताना। मटन स्टू देख सकते हैं आप लोग, इसका लुक देख सकते हैं, खाने का देख के ही आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार। और मेरा तो पूरा घर महक रहा है, जब तक अगर आप बनाओगे तभी आपको पता लगेगा। और यकीन मानिएगा आप लोग मटन भी देख सकते हैं, ये देखें देखें हाथ से टूट रहा है, इतना मटन सॉफ्ट और जूसी बना हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर एक ऐसे रेसिपी के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अपने सिस्टर को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और हम भी आप सबको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर आप लोगों को मिलते हैं।